कि मैं भी हंसी खुशी उल्लास आनंद लिख सकता हूँ, मैं भी गीत गजल छंद लिख सकता हूँ, मुझ में भी एक भावुक दिल है, मुझ में भी गीत गजल की महफिल है, मैं भी अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ, कोई बड़ा हाथ मिलाने को तो मैं भी बढ़ाता हूँ, मैं भी अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ, कोई बड़ा हाथ मिलाने को तो मैं भी बढ़ाता हूँ, मेरा हाँ मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं। कहना चाहता हूँ फिर भी मुझे क्यों लिखना पड़ता है कि मेरा हाँ मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं, बस मेरे धर्म पर कोई चोट करे मुझे पसंद नहीं, मेरे धर्म पर कोई चोट करे मुझे पसंद नहीं। आइए आदरणीय दादा अरविंद जी शर्मा इस मंच पर विराजित थे, ऐसा कोई मैं उनकी भूमिका में उनका कुछ बोलूं इतना मैं अभी बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय दादा अरविंद जी शर्मा बेगू की धरती से चलकर हमारे बीच में आए हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। माँ पन्नाधाय, माँ पद्मावती, माँ संयोजिता, जिस पर किसी ने लिखा है आदरणीय दादा ने लिखा है, कल्लाजी राठौर या हमारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन आज की रात हमने और आपने मिलकर के वचन दिया है, वादा किया है कि किसी कवि को आमंत्रित मैं नहीं करूंगा, आपकी घनघोर तालियां आमंत्रित करेगी। मैं चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि हम शरबत तो वो सोमरस है, हम शरबत तो वो सोमरस है, हम हास्य वीर तो वो सबरस है, हम श्रव्य तो वो दृश्य है, यूं कह लो कि हम नन्हे पौधे तो वो वट वृक्ष है, हम नन्हे पौधे तो वो वट वृक्ष है। आप उनके गीतों को सुने बहुत अच्छे से, हो सकता है हाथ से वो आप तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन उनके गीतों में इतनी शुद्धता है कि आप लोग निश्चित ही उनके गीतों पर तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। आपकी घनघोर तालियां आमंत्रित करें आदरणीय दादा अरविंद जी शर्मा बेगू से। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करी। नहीं निश्चित ही ऐसा नहीं है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक नया गीत मैंने लिखा है अपने बेगू में, आपने भी नहीं सुना है? हाँ, क्योंकि मैंने लिखा ही कुचावन सिटी जाने के लिए था। दो गीत होंगे? नहीं नहीं, एक ही गीत है, एक राजस्थानी में पढ़ूंगा। कुचावन सिटी गया था, एक राजस्थानी कवि की जरूरत थी, तो हमारे गुरुदेव नवीन जी सारथी ने कहा कि एक राजस्थानी में श्रृंगार लिखो, और मैंने वहाँ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, वहाँ का मान मिला। गीत मंच पर हर जगह आजकल पढ़ता हूँ, आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। मस्ती भी है और प्रेम का भाव ही है। जैसे समझ लो कि मेरे घरवाली ने या मेरी प्रेमिका ने कहा कि आप मुझ पर कोई गीत लिखो तो जानू, तब मैंने कहा गीत ये समझ लो उसी के लिए लिखा। कि नेण रूपाड़ा लागे गोरी, गाल रूपाड़ा लागे, नेण रूपाड़ा लागे गोरी, गाल रूपाड़ा लागे, एक नजर देख तो गोरी, एक नजर देख तो गोरी, सूता बाग भी जागे, नेण रूपाड़ा लागे गोरी, गाल रूपाड़ा लागे, कि कुंवरन सपना दखा बावाड़ी, मनड़ा मलाडू पुटा बावाड़ी, कुंवरन सपना दखा बावाड़ी, मनड़ा मलाडू पुटा बावाड़ी, जी के आगे मुड़क गोरी, जी के आगे हंस दे गोरी, ओ रात रात भर जागे, नेण रूपाड़ा लागे गोरी, गाल रूपाड़ा लागे। और आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल पर देखिए कि मोबाइल हाथा में राख बावाड़ी, आजकल सब छोरियों के हाथ में, औरतों के हाथ में मोबाइल मिल जाएगा, और वो भी चोड़ा वाला। कि मोबाइल हाथा में राख बावाड़ी, डोडी डोडी सेल्फियां खाच बावाड़ी, मोबाइल हाथा में राख बावाड़ी, डोडी डोडी सेल्फियां राच बावाड़ी, अरे थारा स्टेटस फेसबुक पे, थारा स्टेटस इंस्टाग्राम पे, सुपरस्टार जू लागे, नेण रूपाड़ा लागे गोरी, गाल रूपाड़ा।
गीत का अंतिम बंद की चाल चले तू गणी मतवाड़ी नवा थारा नखेरा तू नखेराड़ी अच्छा गीत लिखना पड़ा सुनी कि चाल चले तू गणी मतवाड़ी देख ऐसा ऐसा गाना गुनगुना जो खटन खटा तार झोंक पाएगी ये चाल चाल चले तू गड़ी मतवाड़ी नवा थारा नखेरा तू नखेराड़ी अरे मु भवरो बण मंडराऊ तू फूल सरी की लागे नेण रूपाला लागे गोरी काल रूपाला लागे एक नजर देख तो गोरी सूता बाग भी जागे नेण रूपाला लागे गोरी काल रूपाला लागे एक गीत और सुनना चाहते हो देखो ये अपनी मेवाड़ की धरती है और मेवाड़ पे हिंदी का गीत भी रख देता हूँ कह रहे हैं तो मेरी बात आप कभी बैठे हो भाई मीरा पे पढ़ दे महाराणा प्रताप पे पढ़ दे भगत सिंह पे पढ़ दे तो अपने आप तालियां बजती है कवि को आगे बढ़ना है तो ऐसे टोट के करने पड़ते हैं पढ़ना पड़ता है अपना तो मेवाड़ साफ सीना चौड़ा हो जाता है जब अपन बातें करते हैं गीत पढ़ता हूँ सीधा कोई बीच में भूमिका नहीं बनाऊंगा सब जानते हैं स्वाभिमान सिर मोर यहाँ मेवाड़ की पावन माटी है अरे इस धरती पर जो भी जन्मा उनकी चोड़ी छाती है इस धरती पर जो भी जन्मा उनकी चोड़ी छाती है अनुपम रूप पद्मिनी का अमर नाम कर जाती है आन बान पर आचनाए जो हर ज्वाल बन जाती है पूरा तत्व अद्भुत है यहाँ कुंभा कला पुजारी है अस्सी गाव खाकर भी सांगा करता युद्ध तैयारी है अस्सी गाव खाकर भी सांगा करता युद्ध तैयारी है पन्नादाय की स्वामी भक्ति राजवंश बचाती है अरे माँ की ममता मार कर बेटे को दाव लगाती है माँ की ममता मार कर चंदन को दाव लगाती है कि चेतक की टापा को सुनकर दुश्मन की रूह कांपी है अरे चेतक पर परताप सुरक्षित बतलाती हल्दी गांटी है चेतक पर परताप सुरक्षित बतलाती हल्दी गांटी है कि राणा पुंजा जाला मन्ना बामाचा बलिहारी है महाराणा परताप भीन के रहे सदा आभारी है महाराणा परताप भीन के सदा रहे आभारी है कि गोरा बादल जयमल फत्ता कल्हा राठौड़ बिबारी है गोरा बादल जयमल फत्ता कल्हा राठौड़ बिबारी है और मुंड कटे और धड़ लड़ जावे वो शेष नाग अवतारी है मुंड कटे और धड़ लड़ जावे वो शेष नाग अवतारी है प्रभु गिरधर के प्रेम में डूबी मीरा भजन को गाती है जहर का प्याला भोग लगाकर अमृत पान कर जाती है जहर का प्याला भोग लगाकर अमृत पान कर जाती है कि शत्रानियों का सौर्य हरी रानी दिखलाती है पति निशानी मांगे तो शीस काट भिजवाती है पति निशानी मांगे तो
शीश काट भिजवाती है। और गीत का अंतिम बंद अपने रूपा जी कृपा जी को समर्पित कि दुर्ग बड़े दुर्गम है यहाँ जिले पानी छलकाती है और अदम्य आंदोलन है यहाँ क्या बात है धरती सोना उपजाती है। अदम्य आंदोलन है यहाँ धरती सोना उपजाती है स्वाभिमान सिरमौर यहाँ मेवाड़ की पावन माटी है और इस धरती पर जो भी जन्मा उनकी चोरी छाती है। बहुत बहुत आभार। जय मेवाड़। जय हिंद। जय भारत। राम राम साहब। हिंदी और राजस्थानी कवि सम्मेलन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SLR वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कल्पना लोक को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।